बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सारे? आई होप अच्छे होंगे। अभी शाम के हो रहे हैं 7 और आप नज़ारा देख सकते हैं। आज कुछ अजीब सा ही है, मतलब वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना ऐसा लग रहा है कि वो अलग से रेड रेड लग रहा है ना, देखने में इतना सुंदर लग रहा है। और लोगों के घर की लाइटें चमचमा रही हैं, बिल्कुल टिमटिमा रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आजकल मौसम मतलब अच्छा हो गया है, थोड़ी मतलब ह्यूमिड तो है पर जैसे गर्मी जिसको बोलते हैं वो बड़ी कम हो गई है बारिश की वजह से। और ऐसे मतलब ऐसे ग्रीनरी ऐसे नहीं लगता कि बारिश से धूल धूल के सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ सा हो गया है, देखने में अच्छा लगता है और गर्मी भी कम हो गई है। उधर देखो वो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, बुकलो है उस जगह का नाम, बुकलो। वो भी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, वहाँ पे मेला होता है ना एक, पर अभी कोरोना की वजह से इस साल तो सारा कुछ कैंसिल ही है। वहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये बुकलो के बाद आप कैमरा यहाँ घुमाइए, वो आपको मतलब अभी इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा पर वहाँ पे सामने गाड़ियाँ चल रही हैं, जो वो उस साइड पीछे वाली पहाड़ी जो है ना वो डलहौजी है, वो डलहौजी हिल स्टेशन जो है। यहाँ मतलब पहाड़ियों में डलहौजी की ठंडी तो फेमस है इस टाइम में, ठंड गर्मियों में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना पेड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए टूरिस्ट अभी तो थोड़े कम ही है इस टाइम। तो ऐसे तो वहाँ इतना ज़्यादा रश होता है कि जितने ज़्यादा भी वहाँ पे होटल वगैरह ना सारे फुल, इवन तक कि लोगों के घर भी मतलब बिल्कुल रेंट पे चढ़ जाते हैं जब सीज़न लगता है, गर्मियों में लगता है लोग इतना ज़्यादा घूमने आते हैं ना। खजियार हो गया, डलहौजी हो गया, और वहाँ पे हरे हरे पेड़ पौधे और आप होटल्स देखिए, वाह क्या बात है। बनीखेत डलहौजी में तो है ही है ना, बनीखेत में भी बड़े ज़्यादा हो गए। और बनीखेत से आप डलोग वाली साइड आइए ना, उस साइड भी बन रहे हैं मतलब होटल ही होटल हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा नीड हो गई है हमें होटलों में, इतना अच्छा लगता है। आते हैं ना वो तो काफ़ी इंजॉय करते हैं देख के उनको। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है, ऐसा लग रहा है सर्दियों का मौसम है, ऐसी फील आ रही है बिल्कुल। काश आप लोग भी फील कर पाते ये ठंडक, पर वीडियो के थ्रू ही कर लीजिए। और आजकल एक मतलब मज़े की बात, मज़े की तो क्या जो खेलते होंगे उनके लिए तो नहीं है मज़े की बात, पर ऐसे कि मैं पूछना चाहती हूँ कि जो जितने भी लोग पबजी खेलते थे मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ आजकल उनको रात को नींद आती है, वो फ़ोन में क्या देखते होंगे। खास कर मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने भाई से जो रात की नहीं सुबह के 4 बजे तक भी सोता खेल खेल के ना, और उसने जो बेड बॉक्स के पीछे अपने हाथ पैर और सर मारे हुए हैं ना, अब मैं उसको मैं वैसे पूछती हूँ उसको सच में नींद आती है कि नहीं आती है। जब ना एक चीज़ और, जब टिकटॉक बैन हुआ था तो मेरे को चिढ़ाता था कि क्या हुआ ये वो, मैं चलाती थी मतलब यूज़ करती इतना ज़्यादा भी नहीं, पर उसको ऐसे लगता है कि बड़ा ज़्यादा, तो वो बड़ा चिढ़ाता था 2-3 दिन में। तो उसने मेरे ना ऐसे नाक में दम करके रखा था, तो अब मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो टाइम से सो तो जाएंगे पबजी खेलने वाले, दिल छोटा नहीं करते तेरी और गेम में। काश फ्री फायर भी बंद हो जाए ताकि मैं अपने हस्बैंड को भी टीज कर पाऊँ कभी। हाँ एक और बात, मेरे हस्बैंड ना कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, तो मैं सोचती थी काश वो भी एक दिन बंद, फिर मैं अपने हस्बैंड को टीज करूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को बड़ा चढ़ाया। जैसे कि आपने देखा कि मैं भिंडी काट रही थी, तो अभी बस सब्जी बना के हटी हूँ, सब्जी बन चुकी है, बैठी मैं यहाँ पे बाहर देख रही हूँ। सारे अपने अपने रूम में, आई भी नहा के सो चुका है और बाकी सारे अपने अपने रूम में अपने अपने काम कर रहे हैं। खाना चाहती हूँ, ये देखिए ये है असली ऊन की बनी हुई चादर। पहले के टाइम में लोग सिर्फ यही यूज़ करते थे असली ऊन की, जो शीप होती है उसका ऊन निकाल के जो चादर बनाते थे इसी को यूज़ किया करते थे। और आज हमने इनको सभी को निकाला हुआ धूप लगाने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सारी चादर है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, रुको।
आजकल कौन यूज़ करता है, आजकल के ज़माने में तो बोलते हैं कि हमें इससे ख़ारिश लगती है, ये वो, मतलब औरों को क्या, हम खुद यही बोलते हैं कि हम नहीं लेना। आजकल के ज़माने में आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई, जैसे ब्लैंकेट हो गया, रज़ाई होगी, पर पहले के टाइम में देखो सब कुछ ओरिजिनल हुआ करता था, सब कुछ ये देखो असली उसकी बनी हुई ऊन से बनी हुई चादर, पहले के टाइम में कितना सब कुछ वो करते थे ना ओरिजिनली यूज़, सब्जियाँ अपनी, घी हो गया, सब कुछ, मक्खन, ये वो, मतलब पहले के टाइम में लोग ये कहाँ जानते हैं सब्जियाँ, सिर्फ ये हो गया आपका देसी घी हो गया अपना घर का, मक्खन हो गया, दही हो गया, दूध, साग वगैरह हो गया, जैसे अपने आसपास की चीज़ें, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ ओरिजिनली। आजकल के ज़माने में तो आ गया ना ये आर्टिफिशियल चीज़, ये ब्लैंकेट हो गए, रजाइयाँ हो गई, हमें नरम नरम चाहिए, बट ये पहले की चीज़ों के कुछ बात ही कुछ और है ना, देखने में देखो कितनी प्यारी है ना, कलरफुल, बिल्कुल बिल्कुल पूरी वाइट भी होती है, जैसे वो आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी ना, वो ऐसे ही बनाते थे, और ये फिर जैसे काली होती है काली शीप, उसकी ऊन निकाल के तो ये इसमें बीच में कर दिया, जैसे वो पट्टिया डाल दी ना, ये देखो असली ऊन की, और ये देखो कलरफुल, अच्छी लगती, देखने में अच्छी लगती। आज निकाल ली ना धूप लगाने के लिए, बरसातों में आपको पता ही है स्मेल आ जाती है अगर अंदर ज़्यादा देर रखो तो, उनको धूप लगानी है, तो मम्मी बोलते निकालनी, फिर मैंने बोला मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। कलरफुल कितने अच्छे ना, बेबी पिंक कलर, मेरे को ये वाला बड़ा अच्छा लगा कलर कॉम्बिनेशन ना। सेल 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 आजकल के टाइम में कौन नहीं यूज करते हैं, तो जब हम मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी इधर भी वहाँ निकालते थे ना जैसे धूप वगैरह लगाने के लिए, तो भी बड़ा ज़्यादा हम देखते थे कि किसको दिया, मम्मी ने बोला ये मेरे उसमें आई है, मायके से आई है, ये वो, सुंदर लगता है ना देख के बड़े बड़े दिनों बाद। और ये गर्म भी बड़ी ज़्यादा होती है, जैसे ये सिंगल है ना आपको डबल ब्लैंकेट का पूरा काम देती है। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये मतलब ऐसे ही अनबॉक्सिंग भी नहीं हो सकता है, मैं दिखाना चाहती थी आपको मैंने कुछ मंगवाया, और सबसे पहले ये खोलती हूँ क्योंकि आयु कम कर रहा है मेरे, आयु के लिए चप्पल मंगवाई थी, क्लॉग्स मंगवाई थी, आयु को देखो सबसे पहले तो ये इतना मेरे को तंग कर रहा है ना इतनी देर से, मेरे पहले शुरू हो गए, ये किसके ये है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाए थे, और इसको श्री गणेश भी कर देते हैं क्योंकि पैरों में डलवा के, क्योंकि मानने वाला तो ये है नहीं। वाओ आयु, अब मैं थैंक यू बोला पापा को, थैंक यू पापा जी, अब हो गया आपका काम, अब खड़े होकर बता दो कैसे लग रहे, ये देखो वाह वाह कैसे है, सुंदर है ना मम्मी, ये गिरिया पे चोट है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही है, कुछ होते हैं ना कि बच्चे से देखने में इसका स्टफ भी अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी अमेजोन से ही, ये मैंने कुछ अपने वीडियोस के लिए मंगवाया था, ये सिर्फ ट्राई करने के लिए कि कैसा होता है इसके साथ, फिर आगे देखते हैं अगर अच्छा रहा एक्सपीरियंस, तो ये आपका नहीं है, आपको दे दिए ना, उधर बैठ लो गाड़ी के साथ, ट्राई कोड अगर मतलब अच्छा लगा तो फिर और मंगवाऊंगी मैं, मतलब इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, पहले मेरे को देखना है ट्राई करके कि ऐसे रख सकते हैं, और इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, इतनी लेंथ है इसकी, कम भी कर सकते हैं इसको अगर आप कम करना चाहें, पाउच भी मिला,
बार ये है मिंत्रा से, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाया था। तो कैसा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मेरे वाट भी लग सकती है। ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन है, लुक रखते हैं स्टाइल में। और ये भी आई थिंक आई पे इस्तेमाल हो रहा है, याद नहीं है कि क्या है। ये भी अमेजोन से ही है। हाँ, ये वो मंगवाए थे मैंने आई के लिए हिमालय के बॉडी वॉश और शैम्पू वगैरह। ये किसके साथ ही है, इसमें क्या यूज हुआ है, ऑलिव्स वगैरह डले हुए हैं इसमें। ये दो मेरे को पड़े 252 के हैं। मैं इसको हिमालय से ही लगवाती हूँ ज़्यादातर, और बाकी तो कम नहीं होता है। अच्छा, और बाकी ये अभी तो नहीं हुआ, ये मैंने पहले ऑर्डर किए थे मम्मा का फेस वॉश है ना, विटामिन सी का। और ये है फेस सीरम है, ये भी इसका। इसका मैंने स्क्रब भी मंगवाया हुआ है। इसके इसका जो एक उपटून वाला फेस वॉश है वो मैंने पहले ही यूज़ करा हुआ है, वो काफ़ी अच्छा था। और इसलिए मैंने इसके रिव्यूज़ देखे तो मैंने ये भी मंगवा लिया। और जो स्क्रब है वो भी मज़ाक का ही है और विटामिन सी का ही है, वो मैंने अभी यूज़ नहीं किया, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं यूज़ करने के बाद बताऊंगी कि कैसा है उसका रिज़ल्ट। तो और बाकी थोड़ा सामान आने को अभी तक डिलीवर नहीं होगा। बाकी ये कहीं आई थी, ये गाड़ी लाई थी, जिसकी हालत आप देख सकते हैं, इसकी कौ कहीं और कहीं शीप कहीं, और ये एक का दो हो चुका है। पापा तोड़ रहे हैं ना, ये पापा तोड़ रहे हैं तो उन्होंने तोड़ के रखी है। अब हम इसको ना भरेंगे इसमें और ले जाएंगे घर। तो शुरू करते हैं काम। इसको ऐसे तोड़ लेते हैं ना, अलग कर लेते हैं मतलब, और फिर इसको बाद में काटेंगे और ये आएगी पशु के काम आने के लिए। बताऊंगी कैसे हम इसको रखते हैं। बड़ी बड़ी गाय अब आगे वो देखते हैं। मक्की खाई अब ये खाने वाली तो नहीं रही है, मतलब कि इसमें कोई कोई होगी बीच में, मतलब ये सब बिल्कुल पक चुकी है इनको खाने का। वैसे इसका काम खत्म होगा उसके बाद उसकी टाइम शुरू होगी। कई चीज़ों को हमें पहले घास काटते हैं और फिर बाद में मक्की की फसल को काटते हैं, फिर हमारे यहाँ पहले उसके बाद घास वगैरह काटेंगे। हम बचपन में पता क्या करते थे, ये जो इसके गुच्छे हैं ना इसका तोड़ती रोड के मुझे लगाते हूँ, मुझे हो तो नथु लाल जैसी, वरना मुझे ना हो। इसको ऐसे तोड़ लिया डाली से और घर ले जाते हैं, और घर जाके फिर इसका ये बाहर वाला जो मतलब छिलका है इसको निकालते हैं, और हम जहाँ मेरा मायका है वहाँ पे पहले इसको जैसे इस डाली को काट देंगे, मतलब कि ऐसे रखते हैं कि 10-12 डाले हुए इकट्ठे रख लेते हैं, फिर वहाँ पे बैठ के खेत में बैठ के सारे ना इनको अलग करते हैं, मक्कियों को अलग करते हैं इनकी डालियों से। फिर उसके बाद जब हम छोटे होते थे ना तो मतलब बच्चों से इतना काम नहीं होता, पर शौक मत बड़ा ज़्यादा होता है, और जब बड़े हो जाते तब हम काम करने का इतना मन नहीं करता। तो जब हम बच्चों से चले जाते थे और फिर बैठ जाना, और फिर हम गेम खेलते थे, मतलब
अंदर मक्खियाँ निकालनी और उसमें से अगर जिस मक्खी में मतलब जिसके पास जिसकी मक्खी में काले काले दाने ज़्यादा आए तो जीत जाता था और दूसरा वाला हार जाता था। जैसे येलो या तो येलो मक्खी होती है पूरी या तो वाइट, और उसमें से अगर ब्लैक या ब्लू कलर का कोई अलग से हुआ ना एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गया, मतलब अब इसको फटाफट करते हैं, रात होने वाली है।